नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा गौर, आप सभी का स्वागत है द नगरी न्यूज में। मॉनसून के मौसम में कई बीमारियां दस्तक देती हैं और फिलहाल मौसमी बीमारियों का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसी बीच राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय के मेडिकल टीचर्स और अशैक्षणिक कर्मचारी आंदोलन पर उतर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ओल्ड पेंशन स्कीम की विसंगतियों का विरोध करते हुए डॉक्टरों से लेकर नर्सिंग स्टाफ ने भीख मांग कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस हासिल करने के लाखों की जो रकम ली जा रही है वो कैसे एक साथ जमा करा सकते हैं। आपको सुनाते हैं कर्मचारियों की पीड़ा। सोमवार से ही शांति विरोध आंदोलन कर रहे थे, सरकार तक हर प्रकार से मैसेज दे कि हम आंदोलन रोड पे नहीं लाना चाह रहे थे, लेकिन हम मजबूर हैं। कल हमने संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया, आज आरयू के अंदर भी संपूर्ण कार्य बहिष्कार हो गया है, लेकिन फिर भी सरकार की जून नहीं देंगे। हमारा आगे का ये प्लान है कि हम लंबे समय तक इसको और भी उग्र आंदोलन के रूप में रूप देंगे। कर्मचारियों ने नियुक्ता अंशदान राशि 12% प्रतिवर्ष ब्याज सहित जमा कराने की शर्त को हटाए जाने और राज्य सरकार की तर्ज पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग रखी है। इसके साथ ही पेंशन भुगतान को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है।